स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं कि नीट से 2020 यानी 2020 में टोटल कितने एमबीबीएस सीट्स पे काउंसलिंग होगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट्स पे। दूसरा ये बताऊंगा कि इस बार 2020 में कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है, क्या सीट्स इंक्रीज होने से कट ऑफ डाउन जाएगा, टोटल कितने स्टूडेंट्स एपीआर होंगे और भी बहुत सारी चीजें इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड उसके पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो दबाएं सब्सक्राइब पे एंड बगल में घंटी बटन को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। और फ्रेंड उससे पहले मुझे बताकर खुशी हो रही है कि आप सबके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स तैयार हो चुका है। पीडीएफ एक का पीडीएफ बन गया है, बस रिएक्शन मैकेनिज्म का बाकी है। जल्दी तैयार करके नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज था तो जल्दी मैं देने वाला हूँ। तो फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार 2019 में टोटल एमबीबीएस प्राइवेट गवर्नमेंट जो सीट्स थे वो 76,928 थे, यानी टोटल 76,928 सीट्स पे काउंसलिंग हुआ। 2018 में था 60,680 सीट्स थे, यानी इस बार 2019 में तकरीबन 16,000 के अप्रोक्स सीट्स का इंक्रीजमेंट हुआ है। लेकिन फ्रेंड सोचने वाली बात यह है कि 16,000 सीट्स इंक्रीज होने के बावजूद कट ऑफ हाई गया, ठीक है। ये डेफिनेटली है कि इस बार 2019 के कंपेयर में 2020 में भी तकरीबन 15,000 से 20,000 सीट्स इंक्रीज होंगे, यानी 90,000 से लेकर 95,000 सीट्स टोटल हो जाएंगे यहाँ पे, इसमें नो डाउट है। लेकिन कट ऑफ पे बात करते हैं, क्या कट ऑफ में कमी होगी? तो देखिए फ्रेंड एक चीज मैं बताऊंगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। इतना तो पता है कि टफ नीट में नहीं आया अभी तक, जब से नीट स्टार्ट हुआ है टफ लेवल कभी नहीं आया है। या तो इजी मोड में पेपर रहा है या तो मीडियम टफ रहा है, मीडियम मतलब ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आया है। ऑल सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स, ठीक है, दो पेपर आसान आते हैं, एक का लेवल हाई होता है। तो फ्रेंड अगर पेपर का लेवल ईजी रहा तो कट ऑफ में कमी तो नहीं आएगा। वैसे एनटीए जरूर चाहेगा कि पेपर का लेवल वैसा सेट किया जाए ताकि कट ऑफ में कमी जरूर आए। मैं एक चीज बता दूं कि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई जाएगा तो ओब्वियसली 550 के अप्रोक्स कट ऑफ रहेगा। जिसका मैं एक चीज शॉर्ट में बता दूं कि इस बार जिस भी कैटेगरी का जितना कट ऑफ रहा है एनटीए चाहेगा उससे 15 से लेकर 25 मार्क्स तक कट ऑफ में कमी लाया जाए, इतना एनटीए चाहेगा। क्योंकि इतना तो पता है कि कट ऑफ अब इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ये 99% मैं श्योर हूँ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज नहीं करेगा। जितना 2019 में कट ऑफ रहा है उससे ज़्यादा कट ऑफ 2020 में डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी एक बार कट ऑफ एक साल ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, उसके अगले साल ही कट ऑफ डाउन गया, पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था और लेवल हाई गया, लो गया, ठीक है, कट ऑफ लो गया। तो फ्रेंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब तैयारी करें तो आपका लेवल ये सोचे ना कि अब एम्स इसमें मर्ज हो गया है तो एम्स में सिलेक्शन क्यों ना लें, उतना मार्क्स क्यों नहीं लाए ताकि एम्स में सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड आप इतना सोचें कि नीट में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी 2020 के स्टूडेंट के लिए मिला है कि एम्स भी इसमें है, तो आपको एम्स को लेकर सोचना चाहिए कि इतना मार्क्स 670-680 के आसपास मार्क्स लाएँ ताकि एम्स मिल सके। अगर फ्रेंड बाय चांस एम्स नहीं मिलता है तो इतना तो लेवल बन जाएगा ताकि अच्छा से अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। 4 महीने टाइम बहुत होते हैं, एनफ टाइम होते हैं 4 महीने। जनवरी के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जनवरी के पहले आप अगर अभी जीरो लेवल भी तैयारी है ना तो आप आराम से 0 से 600 क्रॉस करा सकते हैं, बहुत टाइम है 4 महीने, रात दिन एक करके पढ़े, टोटल टाइम दे दें, ठीक है फ्रेंड। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि कट ऑफ अप्रॉक्स अगर पेपर का लेवल, अगर एनटीए चाहे पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई जाए तो 550 के अप्रॉक्स कट ऑफ रहना चाहिए। यानी इस बार 2019 में आपके कैटेगरी में जितना भी कट ऑफ रहा है उससे 15 से 25 मार्क्स डाउन जाएगा। लेकिन अगर पेपर का लेवल वैसा ही रहा जैसे 2019 में था तो फ्रेंड मैं एक बता दूँ, कट ऑफ कम नहीं रहेगा और ज़्यादा भी नहीं जाएगा, कट ऑफ जितना 2019 में था उतना ही रहेगा। और मैंने कई बार कट ऑफ बताया है आपको, नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें।
तो फ्रेंड आप तैयारी उस लेवल का करें ताकि आपका मार्क्स 600 प्लस जाए और आपका टारगेट ही होना चाहिए एम्स में सिलेक्शन लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे ये बताना था आप सबको, और आपका तैयारी काफ़ी अच्छा से करें, स्ट्रांगली तैयारी करें, डीमोटिवेट ना हो कि टाइम नहीं रहा। अरे टाइम बहुत है, जनवरी से भी तैयारी करके स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर सिलेक्शन ले लेते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो फ्रेंड आप तैयारी करें अच्छे से, अगर कोई भी डाउट है मन में तो मुझसे पूछें, आप मैसेज करें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, वहाँ भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।